मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ये गलतियाँ करते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज के बाद इस वीडियो को सुनने के बाद आप ये गलती कभी नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि जब किसी इंसान के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, चाहे वो मर्द हो या औरत, जब गुस्ल फ़र्ज़ हो गया और वो नापाक हो गया, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नापाकी की हालत में मुँह ज़ेरे नाफ, समझे, नाफ के नीचे के बाल साफ़ करते हैं, बगल के बाल साफ़ करते हैं, यहाँ तक के सर के बाल वगैरह भी कटवाने के लिए चले जाते हैं, और नाक के बाल भी और नाखून वगैरह नापाकी की हालत में काट लेते हैं। तो क्या ये नाखून काटना, बगल के बाल साफ़ करवाना, मुँह ज़ेरे नाफ साफ़ करना नापाकी की हालत में ये कैसा है? और अगर किसी ने ऐसा कर लिया तो उसे क्या होगा और कौन सी बीमारी उसे लग सकती है? तो आइए आप सुनिएगा। देखिए, जिसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो और वो नापाकी की हालत में हो, तो नापाकी की हालत में मुँह ज़ेर नाफ साफ़ करना, बगल के बाल साफ़ करना, सर के बाल कटवाना, नाक के बाल काटना, नाखून वगैरह काटना, ये सब मकरूह है, और इससे सख्त बुरी लाइलाज बीमारी होने का भी ख़तरा है। ऐसी बीमारी अगर किसी ने नापाकी की हालत में नाखून काट लिए या सर के बाल कटवा लिए, तो उसे ऐसी बीमारी होगी जिसका कोई इलाज नहीं है। तो ये कीमियाई सआदत में लिखा है, और हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसको बाहर शरीयत के अंदर भी लिखा है। तो कोई भी हमारा इस्लामी भाई या इस्लामी बहन जो है नापाकी की हालत में बाल वगैरह नाखून वगैरह ना काटें, इससे बिल्कुल परहेज़ करें। जब आप साफ़ हों, पाक व साफ़ हों, उस वक्त में आप ये सब चीज़ें साफ़ करें, नाखून वगैरह काट लें।